नमस्ते जी। आज मैं आपको आचार्य भानु प्रताप विद्यालय का दुखद समाचार देते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे मध्य में डॉक्टर अशोक आर्य वैदिक विद्वान गाजियाबाद से उनका निधन हो गया। हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह परम पवित्र आत्मा अपने शुभ कर्मों के अनुसार सदगति को प्राप्त करे और परिवार में जो दुखद वियोग आया है उसको सहन करने की क्षमता मिलती रहे। वैदिक राष्ट्र परिवार और वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वैदिक राष्ट्र मासिक पत्रिका के माध्यम से डॉक्टर अशोक आर्य जी के अनेकों लेखों का प्रकाशन हुआ है और यूट्यूब के माध्यम से भी उनके अनेकों लेखों का प्रतिदिन लेख का प्रसारण होता है, प्रचार प्रसार होता है। निश्चित रूप से वह वैदिक विद्वान का जाना हमारे लिए नहीं, पूरी आर्य जगत के लिए, वैदिक जगत के लिए, आर्य समाज के लिए एक दुखद विषय है। किंतु समय की गति, परमात्मा की गति, कर्म काल के अनुसार हमको पुनः यही प्रार्थना करते हैं कि वह जहाँ हो, जिस हाल में हो, जिस काल में हो आत्मा, वह सदगति को प्राप्त करे। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें, इनका जन्म 9 जून 1944 को हुआ था और अनेकों पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया, लिखा, लेखन किया। ये पुस्तकें मेरे हाथ में, आजादी के दीवाने, वैदिक 16 संस्कार, एक विवेचन, देशभक्त महिलाएं और आर्य समाज क्या है, कल्याण का मार्ग, कल्याण का मार्ग यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के आधार पर मंत्रों का संकलन दिया गया है। इसकी जो व्याख्याएं हमने अपने वैदिक राष्ट्र पर प्रतिदिन प्रसारित की गई है। वेद में आदर्श शिक्षा, ऐसे वैदिक विद्वान को हम पुनः श्रद्धांजलि देते हैं। मैं डॉक्टर आचार्य भानु प्रताप वेदालंकार इंदौर मध्य प्रदेश से यह श्रद्धांजलि देता हूँ और केंद्रीय आरोग्य परिषद मध्य प्रदेश, अखिल भारतीय आर्य सभा मध्य प्रदेश के द्वारा भी सभी की तरफ से मैं परम श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।